एकदम सही है फैसला, तो बहुत बढ़िया किया सरकार की 7 बजे तक बंद, सबके हेल्प के लिए बढ़िया सोचे सरकार की कोरोना से बचने के लिए। हाँ बढ़िया है, ठीक है, पालन करेंगे हम। क्या लगता है कि नुकसान भी होगा? नहीं नहीं नुकसान नहीं, कोरोना से मतलब खतरनाक क्या हो सकता है। सरकार जो भी फैसला लिया सही है, इसलिए हम ही लोग के लिए लिए है। जी बहुत अच्छा किया, हम लोग सहमत हैं। बंद लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान होना है। अगर 1 घंटा आगे पीछे होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे लगता है। आप कभी जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखिए, टेम्पो में देखिए, नगर सेवा बस में देखिए, कितनी लोग एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं। वहाँ लॉकडाउन सबसे जरूरी, वही लॉकडाउन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ही देर पहले यह फैसला लिया है कि कल से पूरे बिहार में एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें को छोड़कर 7 बजे के बाद सारी जो दुकानें हैं वो बंद कर दी जाएंगी। ऐसे में इस वक्त हम निकल चुके हैं पटना की सड़कों पर और पटना के दुकानदारों से जानेंगे कि इस फैसले को लेकर उनकी क्या कुछ राय है। तो चलिए हमारे साथ। बिहार सरकार का फैसला है तो मानना ही पड़ेगा, कोरोना के वजह से ये फैसला लिया गया है। तो क्या लगता है कि कितना नुकसान होगा? नुकसान तो होगा ही, थोड़ा बहुत तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन बीमारी जो बढ़ रही है उसके वज में तो देखना ही पड़ेगा, तो बंद करना ही पड़ेगा। आप फैसले का, इस फैसले का स्वागत करते हैं? हाँ हाँ, मानना सरकार का फैसला मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। एकदम सही है फैसला, सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। एकदम स्वागत करते हैं। तो क्या लगता है कि अगर 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी तो कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं, सरकार का फैसला एकदम सही है। सही रूप में है, लेकिन पूर्ण रूप से सही रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वो दो नीति कर रहे हैं। जहाँ उनका कोई भी कार्यक्रम वगैरह होता है, जहाँ जो भी कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम जो भी होता है, वो सब जो है कि उनके लिए सब चीज़ सामान्य हो जाता है, और ऐसे जो है कि आम पब्लिक के लिए और ये सब के लिए मतलब कि इस तरह का ही करते हैं। पर सरकारी और निजी कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दिया गया है। जी सरकारी और निजी कार्यक्रमों पर भी रोक लगा? नहीं नहीं, अभी नहीं, जैसे उनका वो हो गया, इलेक्शन वगैरह हो गया, ये सब हो गया, उस समय तो कोरोना पीरियड था ही, लेकिन उस समय भी जैसे ये हुआ था, ऐसे में जैसे कि डिसीजन मतलब कि है, ठीक है, मिला जुला ठीक है, लेकिन बहुत हद तक कुछ घाटे में भी है। बिजनेस व्यापारी लोग के लिए तो काफ़ी नुकसानदेह वाली बात हो गई है। हाँ मतलब कि एक समय भी नहीं है, इससे बिजनेस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। मतलब कि ये जो एक समय भी बहुत बुरा समय स्थिति समझिए, इस तरह के मतलब ये चल रही है। तो बहुत बढ़िया किया सरकार की 7 बजे तक बंद, सबके हेल्प के लिए बढ़िया सोचे सरकार की कोरोना से बचने के लिए। तो कितना नुकसान होगा? नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा होगा बहुत। अभी नुकसान ज़्यादा हो जाएगा जब कोरोना पूरा फैल जाएगा तब। तो फैसले का स्वागत करते हैं? हाँ स्वागत करते हैं। हाँ बढ़िया है, ठीक है, पालन करेंगे हम। तो क्या लगता है कि नुकसान भी होगा? नहीं कोई नुकसान नहीं, जब मालूम हो जाएगा सबको कि 7 बजे तक खुला है तो ठीक है, सब सभी को उसी के अनुसार धंधा चलेगा। तो सरकार के फैसले का हाँ स्वागत है, ठीक है। तो कोरोना ही के चलते ना? जी हाँ, तो अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या लगता है कि नुकसान भी होगा? नहीं नहीं नुकसान नहीं, कोरोना से मतलब खतरनाक क्या हो सकता है, तो बेहतर है कि बंद हो जाए 7 बजे। तो आप लोग सरकार के फैसले का स्वागत? हाँ 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 हाँ। देखिए इसमें तो आपको 7 बजे से पहले बंद होने के लिए बहुत अच्छी बात है, इसमें सेफ्टी भी है, और सबसे पहला चीज़ जागरूक होना चाहिए आदमी को, मास्क सैनिटाइजर ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके कारण ये सब समस्या हो रही है। तो सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं? हाँ बिल्कुल स्वागत करते हैं। कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि हम लोग 7:30 बजे बंद करते थे, उससे 7 बजे बंद करे, तो आधा घंटा में कुछ नहीं होना है। सरकार जो भी फैसला लिया सही है, इसलिए हम ही लोग के लिए लिए है, इसलिए बिल्कुल सही है। सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं? जी बिल्कुल करना चाहिए। कुछ नुकसान भी होगा? नुकसान कुछ नहीं होगा, ऐसे भी 8 बजे 9 बजे बंद रहते हैं, 7 बजे क्या जाएंगे, उससे क्या होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जी बहुत अच्छा किया, हम लोग सहमत हैं। क्या लगता है कि नुकसान भी कुछ होगा? नुकसान होगा तो क्या दिक्कत है, बीमारी से तो बचेगा ना आदमी, ये जो इतनी परेशानी है इससे तो बचेगा ना। ऐसे भी हम लोग 8 बजे तक खोलते हैं, 1 घंटा पहले बंद, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं? ठीक है, ओके, स्वागत है। हाँ भाई सरकार का फैसला सही है, 8 बजे बंद होते, 1 घंटा पहले बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम जो बढ़ रहा है उससे तो बेहतर है ना कि 1 घंटा पहले चले। कोरोना संक्रमण इससे रुक पाएगा?
देखिए सरकार ने जो फैसला किया रुकना तो चाहिए, आगे देखिए गवर्नमेंट क्या करती है। तो कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, क्या नुकसान है, एक घंटा पहले बढ़ा देंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। 8 बजे दुकान बंद करते हैं, 7 बजे बंद कर देंगे। सरकार सबसे पहले ये क्लियर करे एसेंशियल सर्विस में क्या आता है, ठीक है। हमारे लिए हमारा जो जॉब है ये मेरे लिए एसेंशियल सर्विस है, इसी से हमारे 10 परिवार चलते हैं। तो सिर्फ मेडिकल स्टोर हो या दूध की सप्लाई हो, ये एसेंशियल हम नहीं मानते। सरकार को इस आदेश पर फिर से विचार करना चाहिए और अच्छे से विचार करना चाहिए। तो आप सरकार के फैसले का स्वागत नहीं करते? जो आदेश आएंगे उसका पालन करने होंगे हमें, बिना आदेश का हम लोग क्या कर सकते हैं। उनके आदेश पर ही हम लोग सारे हैं, वो जैसे कहते हैं वैसे हम लोग सुनते हैं, इसके सिवा और क्या बोल सकते हैं। तो सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं? बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना। नुकसान भी होगा? भारी नुकसान है, पिछले साल से हम लोग भारी नुकसान में हैं। समझ लीजिए कि जैसे तैसे हम लोग रोटी खा रहे हैं, जैसे तैसे रोटी खा रहे हैं। सरकार का ये फैसला सही मानते हैं, क्योंकि अभी जितनी भी आगे बढ़ रही हैं कोरोना के संक्रमण, उसके अनुसार से थोड़ा थोड़ा अगर प्रिकॉशन लिया जाएगा तो इस पर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि आगे हम लोगों ने ऐसा करने के बाद काबू पाया है, इसीलिए अगर ऐसा अगर इनिशिएटिव लिया जाता है तो ये बेहतर है। पर हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार ने गलत फैसला लिया है। नहीं, ऐसा क्या है, वो गलत क्या है, अगर आप 2 घंटा कम काम कर लेंगे तो कौन सा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा किसी का। लेकिन हाँ, बंद लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान होना है। अगर 1 घंटा आगे पीछे होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे लगता है। लोग उसके पहले अपना काम निपटा लेंगे, अपने घर को चले जाएंगे। अथवा मार्केट में जो पीक आवर है 8 से 10-11 तक जो गर्मियों में रहता है वो कम रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो लॉकडाउन का सबसे तीसरा चरण था वो आप पहला चरण में स्टार्ट कर रहे हैं। पहले लॉकडाउन था, पूर्णतः लॉकडाउन हुआ, फिर एक दिन अल्टरनेट दुकान खुली, और ये तीसरा चरण में हुआ था कि 7 बजे दुकान खुली। ये सरकार ने जस्ट तीसरा पहले लागू किया है। अगर काबू नहीं पाया गया तो फिर वही अल्टरनेट डे होगा, और फिर भी लोग सजग नहीं हुए तो फिर पूर्ण लॉकडाउन होने की संभावना होगी। तो आप इस सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं? सरकार के फैसले का स्वागत है। आप एक दुकानदार से आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आप कभी जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखिए, टेम्पो में देखिए, नगर सेवा बस में देखिए, कितनी लोग एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं। वहाँ लॉकडाउन सबसे जरूरी वही लॉकडाउन है। जितनी सीटें हो उतने ही लोग बैठे, ये कभी नगर सेवा में जितनी भी बसें चलती है ये कभी नहीं लागू नहीं किया गया। टेम्पू में वही हाल है, 6 आदमी बैठना है, एक दूसरे में बैठना है। दुकान और मार्केट बंद करने का सलूशन नहीं, जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है वहाँ सबसे पहले चीज़ लागू होनी चाहिए। तो हमने पटना के दुकानदारों से बात की कि क्या जो फैसला बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार ने लिया है बढ़ते कोरोना संक्रमण मामले को देखते हुए, तो कई दुकानदारों का कहना है कि जो सरकार ने फैसला लिया है कि 7 बजे तक ही जो दुकानें हैं वो खुलेंगी, उसका उन अधिकतर दुकानदारों ने इस फैसले का स्वागत किया है। वही कई दुकानदारों का कहना है कि सरकार को सबसे पहले पॉलिटिकल कार्यक्रम पर रोक लगाना चाहिए, उसके बाद ही दुकान बंद करने का आदेश जारी करना चाहिए। ऐसे में लाइव सिटीज भी आपसे अपील करता है कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और 2 गज की ज़रूरी का जो पालन है वो ज़रूर करें। बहरहाल आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।